यूट्यूब चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र जसपुर के ग्राम सन्यासियों वाला में। यहां से विगत 3 अगस्त को छात्र गयासुद्दीन पुत्र कमरुद्दीन ये संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। आज 7वें दिन गयासुद्दीन सैकुशल अपने घर लौट आया है। गमगीन माहौल खुशी में तब्दील हो गया। उसके परिजन, रिश्तेदार, सगे संबंधी सभी खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं। ये पूरा परिवार, ये मेरे सामने ये जो छात्र गयासुद्दीन, ये 9वीं कक्षा का छात्र, ये संदिग्ध परिस्थितियों में जो लापता हुआ था मेरे सामने है। इसके साथ हैं इसके परिजन, दादी, दादा, भाई, माँ, सब पूरा परिवार, रिश्तेदार मौजूद हैं इनके, तो सब बेहद खुश हैं। अब हम इनसे, परिजनों से बातचीत करते हैं कि यह छात्र किन परिस्थितियों में कहाँ पहुँच गया था और कहाँ से ये किन परिस्थितियों में वापस आया है। कौन बताएंगे? कौन गया था साथ? ये इधर शमसुद्दीन, ये मेरे मेरे सामने हैं। क्या शुभ नाम आपका? शमसुद्दीन। क्या लगते हैं आप इसके? चच्चा। अच्छा अच्छा, तो ये कहाँ से मिला आपको? ये मुरादाबाद से मिला। अच्छा, गयासुद्दीन। अच्छा, तो मुरादाबाद से कहाँ से मिला? बस स्टैंड से सर, रोडवेज अड्डे से। रोडवेज से? अच्छा, तो कोई बताओ, बात बताना बात। तो ये कहाँ पहुँच गया था? ये आगरा पहुँच गया था। आगरा 3 तारीख, 3 तारीख से चला और सुबह 4 बजे आगरा पहुँच गया था। अच्छा, 4 तारीख में। क्या क्या बता रहा है? ट्रेन से गया, कैसे गया, ये सब कोई होश नहीं, कोई पता नहीं। अच्छा, कोई पता नहीं। कार में डाल के ले गए? कार में डाल के ले गए? अच्छा, ऐसा कुछ नहीं पता। बहरहाल इधर रात में जो है आगरा पहुँचा दिया उन्होंने। ये आगरा से ये फिर वापस कैसे आए? उन्होंने जो है ट्रेन का टिकट करवाया बम्बई के लिए। अच्छा, तो जब ट्रेन का टिकट बम्बई गए तो एक रिक्शे वाले से कहा, दही से फला नंबर की सीट में रिजर्वेशन में बिठाइया। ये हालत में नशे में ही था। अच्छा, तो इसे कोई होश नहीं था। तो ये जो है वहाँ जो है उसने बिठा दिया रिक्शे वाले ने। कहाँ के लिए? बम्बई के लिए, बम्बई का टिकट था। अच्छा, टिकट ट्रेन का? हाँ, ट्रेन का। जब इसे बिठा दिया तो कुछ देर बाद इसे कुछ नशे की हालत से कुछ होश में आया। तो यो देखा ही न चारों तरफ, बोर्ड पढ़ा तो आगरा, तो यो जो है वहाँ से उतरा ट्रेन में से, क्या वहाँ से टिकट चेक करवाया एक दोस्त है, ये ट्रेन कहाँ जा रही है, नहीं ये तो बम्बई जा रही है। तो ये वहाँ से उतर गया, वो छोड़ कर चला गया था बिठा के, उतर गया। तो ये जो है वहीं रहा 4 तारीख से, मतलब ये कहने का कल तक वहीं रहा आगरा में। आगरा में स्टेशन भी पड़ा रहा। अच्छा, रेलवे स्टेशन पर। तो जब इसे कुछ और होशा तो इनने किसी से मालूम करा बस स्टैंड कहाँ पे है। तो एक मतलब एक ने बताया और किसी ने नहीं बताया चार दिन से। तो बताने के अनुसार ये वहाँ आया बस स्टैंड पे, उस बस वाले से मिला, बोला भाई कहाँ जा रही तुम्हारी बस? मुरादाबाद जा रही है। तुमने कहा जाना मुरादाबाद? तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं मुरादाबाद जा के दूँगा तुम्हें। रोडवेज बस थी? हाँ, रोडवेज वाले से कहा, मेरे पास भाई पैसे नहीं है, मैं मुरादाबाद दूँगा जा कर तुम्हें। अरे चल, मुरादाबाद दे दिए। इसकी स्थिति को देख के उसने कहा मुरादाबाद ही दे दिए, कपड़े उपड़े ऐसे हो रहे थे सब। तो जब उसने जो है हमें मतलब
फिर भी इसे नशा था, कभी आ जावे था कभी नशा हो जावे था। तो फिर मतलब वो जब 10 बजे आ गए तो उन्होंने उससे पूछी भाई पैसे ला हमारे किराए के, मुरादाबाद आ गया। तो इसे कोई पता नहीं मैंने क्या कहा इनसे क्या नहीं कहा। तो करीब एक डेढ़ घंटे बाद जो है इसे कुछ फिर याद आई तो उससे लंबर मतलब तू सही बता कहाँ का रहने वाला। तो इनने बताया मैं ठाकुर द्वारे का रहने वाला। आना तो लंबर दे अपने घर का, वो आए मतलब हमें तो किराया चाहिए। तो इनने जो है इसकी लंबर याद आया इसके दिमाग में, तो इनने घर का लंबर दिया। जब उन्होंने हमें फ़ोन करा, जब अच्छा तुम्हें रोडवेज वालों ने फ़ोन किया, हाँ जब हम यहाँ से गाड़ी लेकर पहुँचे। तो आज ये कितने बजे लाए आप वहाँ से? हाँ सर करीब मतलब वहाँ से बिठा लिया था हमने 2:30 बजे 4 बजे आ गए। तो चलिए ये एक इनके संबंधी थे जो मुझसे बात कर रहे थे। अब इसके बाद ये स्थिति क्लियर हो गई है कि ये जो है जो लापता छात्र है अपने घर पहुंच गया है, और आशंका व्यक्त की गई है जो अपहरण की। अब देखिए हम सीधे इस छात्र से बात करना चाहेंगे अगर कुछ करेंगे तो। गयासुद्दीन बताओ कि तुम कैसे गए थे घर से? याद नहीं आ रहा। जब तुम घर से निकले थे तब का कुछ याद नहीं आ रहा तुम्हें? तो किसी ने तुम्हें रास्ते में कोई मिला था बड़ी नहर पर? बड़ी नहर पर मिला था कोई तुम्हें? नहीं, तुम जब घर से गए थे यहाँ से बड़ी नहर कोई तो गए थे? अच्छा कुछ नहीं बताया ना, ना। तो वैसे इसने नंबर तो बताया उसे बस वाले को, है ना? हाँ, बस वाले को नंबर कभी कभी दिमाग काम कर जाता है। बस वाले को नंबर तो बताया आज कल कल रात आज सुबह 11 बजे। अच्छा यहाँ गांव में किसी ने कुछ खिलाया था तुझे? 11 बजे बताया आज कुछ बताया। नहीं तुम घर से स्कूल के लिए गए थे या किसी ने कहीं बुलाया था तुम्हें, ये तो थोड़ा ध्यान होगा। हाँ भाई तुम घर से जो गए यहाँ से तो क्या सोच के गए थे? किसी ने बुलाया था तुम्हें? क्या है क्या नहीं इसके बारे में थोड़ी जानकारी कुछ तो बता बेटा। सर पता नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता। नहीं तुम जैसे इन्होंने परिजनों ने बताया कि तुम दुकान से सामान ले यहाँ ला कर दिया तुमने, उसके बाद तुम घर से निकले तो यहाँ कोई मिला तुम्हें? क्या ये क्या मन में आई तुम्हारे, क्या दिमाग में आई जैसे जाने की अचानक? बताना अचानक अपना आप हट के चला गया तो। अचानक अच्छा तो फिर तुम जैसे बड़ी नहर के रास्ते से गए तो रास्ते में तुम्हें वो मिला जीशान नाम का लड़का मिला था? जीशान मिला था तुम्हें? तो जीशान से बात हुई थी तुम्हारी? तो जीशान से तुमने क्या बताया था, कुछ है याद तुम्हें? जीशान से जो बात हुई थी है कुछ याद? बस कॉलेज के बारे में पूछा था मैंने तो, कॉलेज के बारे में बता दिया था। क्या बताया था तुमने उससे? जो याद आया था मैं तो वही बता दिया था। नहीं तुमने उससे ये कहा था ना कि मेरी साइकिल ख़राब है? हाँ। कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ। हाँ। तो तुम घर से कॉलेज के लिए गए थे? मुझे नहीं पता मैं इधर को जा रहा हूँ। अच्छा हाँ तो तुमने उससे ये कहा था ना मेरी साइकिल ख़राब, उसने पूछा तुम पैदल क्यों जा रहे हो, तो तुमने कहा मेरी साइकिल ख़राब है। और तुम्हारे पास उस समय वो बैग भी नहीं था ना, ड्रेस पहन के गए थे तुम, तो स्कूल तुम खाली वैसे ही चले गए या स्कूल नहीं गए थे तुम घर से कहीं दूसरी जगह के लिए गए थे? जो भी है कुछ याद हो बता दे। बड़ी नहर पे जहाँ जिसान मिला था उससे आगे कोई तुम्हें मिला है वहाँ पुल पर जाकर मेन रोड पर जाकर कोई मिला आगे तुम्हें? नहीं मिला कोई मेन रोड पर मिला कोई? जब तुम्हें जिसान का याद है कि जिसान से तुम्हारी बात हुई तो उससे थोड़ा सा आगे चल के जब मेन रोड है जो जसपुर से काशीपुर रोड गया तो उस पर कोई व्यक्ति मिला तुम्हें? सवारी में बैठाया तुम यहाँ से काशीपुर के लिए गए तो किस वाहन में बैठ गए? बस में गई, टाटा मैजिक में गई, तो बताओ। मोटरसाइकिल पर गया है, कैब पर गया है? अभी याद नहीं।
अभी ये पता नहीं कि बस में गया कैसे गए, क्योंकि काशीपुर के साइड में गया होगा जब गया होता। जैसे भी हो सवारी का कोई ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा बस जीशान से मिला है, तो किसी ने तुम्हें जो है खिलाया पिलाया कुछ गांव में? किसी ने खिलाया किसी ने? नहीं, बड़ी नहर पे कोई बीच में कहीं मिला हो तुझे? कोई बड़ी नहर पे मिला कोई, या उससे पहले या उसके बाद में? तुम काशीपुर से आगरा ट्रेन से गए थे, कैसे गए थे? कोई तुम्हें गाड़ी में डाल कर ले गया था, ये तो बताओ। काशीपुर तक कैसे पहुंचे? सुकून में रहने दो, ठीक है। तो ये जो छात्र है अपने परिजनों के बीच आ गया है, सकुशल है, लेकिन अभी वो कुछ बताने में असमर्थ है। वो बार बार यही कह रहा कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, कहाँ से गया था, किस रास्ते से गया था, कुछ नहीं। लेकिन परिजनों ने बताया कि ये यहाँ से आगरा गया था, और आगरा से ये रोडवेज बस स्टैंड बस पर बैठकर ये मुरादाबाद पहुँचा। मुरादाबाद से जो है इस रोडवेज ड्राइवर ने इनको फ़ोन किया था, उसके बेस पर ये मुरादाबाद पहुँचे और उसको ले आए हैं। कुल मिलाकर ये लोग खुशी व्यक्त कर रहे हैं उसके लौटने पर। YouTube चैनल भारत तंत्र के लिए, पत्रकार सुशील चौहान।